हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित कुमार। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है और मेरा नाम ललित कुमार है। और आपको पता है कि मैं अनअकैडमी पर एक प्लस एजुकेटर हूँ और यहाँ पर मैं आपको लाइव पढ़ाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मेरे ये कोर्सेज चल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा यहाँ पे कोर्सेज चल रहे हैं। एक कोर्स मेरा यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स का चल रहा है और फ्रेंड एक कोर्स यहाँ पे मेरा आपका मैथमेटिकल फिजिक्स का स्टार्ट होने वाला है। तो ये वाला जो कोर्स है आपका क्लासिकल मैकेनिक्स का, ये आपका जनवरी में चल रहा है और आपका मैथमेटिकल फिजिक्स का कोर्स फरवरी में स्टार्ट होने वाला है। तो फ्रेंड, आप जल्दी से जाके इसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ये अनअकैडमी के आपके लाइव क्लासेस के कोर्सेज हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास कुछ प्लान्स हैं। ये आपका 1 मंथ का प्लान है, यह आपका 3 मंथ का प्लान है, यह आपका 6 मंथ का प्लान है, 12 मंथ का प्लान है और आपके पास 24 मंथ का प्लान है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे कम से कम 12 मंथ का प्लान लीजिए। अगर आप यहाँ पे 12 मंथ का प्लान लेते हैं तो आप ईयर में 2 बार नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर सकते हैं और आप यहाँ पे सभी फिजिकल साइंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें जो कंटिन्यूटी है वो मेंटेन रहेगी अगर आप यहाँ पे 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। और फ्रेंड, जो ये आपके पास 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है, इसकी जो कॉस्ट है वो आपको कितनी की पड़ेगी, 10,500 रुपीज की आपके पास कॉस्ट है। अब आप चाहेंगे कि सर हमको यहाँ पे कुछ डिस्काउंट चाहिए, तो हाँ, आपको यहाँ पे डिस्काउंट भी मिलेगा। तो फ्रेंड, आप डिस्काउंट के लिए मेरा रेफरल कोड पोटेंशियल जी का यूज कर सकते हैं। तो अगर आप मेरा यहाँ पे रेफरल कोड पोटेंशियल जी का यूज करते हैं तो इसका यूज करने से आपको यहाँ पे 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, ये आपको यहाँ पे कॉलम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा है एंटर द रेफरल कोड। तो आपको बस यहाँ पर क्या करना है, पोटेंशियल जी को आपको यहाँ पर टाइप करना है और टाइप करने के बाद यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर दोगे तो आपको यहाँ पे 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये कोर्स आपको अप्रोक्सीमेट 9,000 रुपये का पड़ेगा। तो 9,000 रुपये का आपको यहाँ पे अप्रोक्सीमेट ये कोर्स पड़ जाएगा 1 ईयर का। आप चाहें तो 6 मंथ का भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था, चलिए अब करते हैं अपना सॉल्यूशन स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं गेट 2018 फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन और ये हमारा पार्ट नंबर 8 है और इस पार्ट नंबर 8 में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से क्वेश्चन नंबर 40 तक। तो फ्रेंड, इससे पहले मैंने आपको यहाँ पे पार्ट 7 तक के वीडियोज दे दिए हैं और उनको आप जाकर देख सकते हैं। आप मेरा एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, वहां पर आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे और आप एक बार जाकर प्लेलिस्ट को भी चेक कर लीजिए। प्लेलिस्ट में मैंने आपको यहाँ पे गेट 2017, गेट 2018 और गेट 2019 के वीडियोस दिए हुए हैं, तो आप जाकर उनको भी एक बार देख लीजिए। और अब करते हैं अपने क्वेश्चन सॉल्व। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है और इस क्वेश्चन नंबर 36 में आपको आपके पास यहाँ पे 5 फिजिकल क्वांटिटी आपको दी हुई है। तो देख सकते हैं आपके पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी है, आपके पास स्पेसिफिक हीट है और आपके पास यहाँ पे यंग मॉडुलस दिया हुआ है और आपको यहाँ पे मैग्नेटिक सबसेसिबिलिटी एक्सियल दी हुई है। तो आपको ये बताना है विच क्वांटिटी शो ए शार्प चेंज, आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी क्वांटिटी आपकी शार्प चेंज को शो करती है एट ए सुपर कंडक्टिंग ट्रांजेक्शन टेम्परेचर पे। और ऑप्शन आपको दिए हुए हैं ए, फिर आपके पास है बी, फिर आपके पास है सी और फिर आपके पास है डी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे शार्प टेम्परेचर का मतलब ये होता है, मतलब शार्प चेंज का मतलब ये होता है कि आपकी यहाँ पे जो वैल्यू है वो इस तरीके से चेंज होनी चाहिए। जैसे कि मान लो ये आपके पास कोई, ये आपके पास एक फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का, तो इस तरीके से चेंज होना चाहिए। मतलब पहले वैल्यू आपकी ऐसे गई, फिर एकदम से मतलब रैंडमली चेंज हो रही है, उसमें एक आपका शार्प पॉइंट दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे इन सब के ग्राफ देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसका ग्राफ, ये हमारे पास है सुपर आपके पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का ग्राफ चेक करेंगे, फिर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक, फिर हम यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी का ग्राफ चेक करेंगे, उसके बाद स्पेसिफिक हीट का ग्राफ चेक करेंगे, फिर हम यहाँ पे यंग मॉडुलस का ग्राफ चेक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे सक्सेसिबिलिटी का ग्राफ और देखेंगे कौन से ग्राफ में हमारे स्टार पॉइंट मिल रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने ग्राफ लिए हुए हैं, तो आप देखिए ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का ग्राफ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन आपकी नॉर्मल कंडक्टर को शो कर रही है और जो आपके पास ग्रीन लाइन है ये आपके सुपर कंडक्टिविटी को शो कर रही है। तो देखिए रेजिस्टिविटी इसकी एकदम से यहाँ पे आके फॉल हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या है, एक शार्प पॉइंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको शार्प पॉइंट देखने को मिल रहा है, तो मतलब रो आपका शार्प ट्रांजेक्शन को शो करता है।
तो रो हो गया हमारे पास, तो हम यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। तो फ्रेंड रो सब में आ रहा है, रो इसमें भी आ रहा है, रो इसमें भी आ रहा है, रो इसमें भी आ रहा है और रो इसमें भी आ रहा है। तो रो तो आपका सब में, इसका मतलब सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं अकॉर्डिंग टू रो। अब हम बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, तो ये आपके पास है थर्मल कंडक्टिविटी। अब थर्मल कंडक्टिविटी में आप देखिए कि ये आपका नॉर्मल स्टेट है और ये आपके पास सुपर कंडक्टिविटी स्टेट है। यहाँ पे आपको कोई भी शार्प पॉइंट देखने को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब थर्मल कंडक्टिविटी का ऑप्शन हमारा गलत हो गया, यानी कि के हमारा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं, तो देखिए फ्रेंड इसमें के आ रहा है तो हमारा ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसमें आपका के आ रहा है। उस तरीके से आपके पास इसमें भी के आ रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, और इसमें भी आपका के आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, तो बचा आपके पास ऑप्शन बी। तो एक बार हम अपने फिर से यहाँ पे और भी ग्राफ चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास है स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट में आप देखेंगे तो हमको इस तरीके से ग्राफ मिल रहा है और यहाँ पे आपका शार्प चेंज आ रहा है। ये वाला पॉइंट आप देखेंगे, मैं यहाँ पे आपको फिर से बताता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको देखिए ये हमारा इस तरीके से ग्राफ जा रहा है और यहाँ पे आपको एक शार्प चेंज देखने को मिल रहा है, ये देखिए, और ये हमारे पास एक शार्प चेंज है। तो सुपर कंडक्टिविटी यानी कि स्पेसिफिक हीट हमारा एक शार्प चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और स्पेसिफिक हीट को हम यहाँ पे किससे लिखते हैं, सी से। तो क्वेश्चन में आपको किससे लिखा हुआ है, स्पेसिफिक हीट सी से लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे सी इसमें भी आ रहा है, सी इसमें भी आ रहा है, और सी इसमें भी आ रहा है, और सी इसमें भी आ रहा है। तो बी ऑप्शन में आपका सी भी आ रहा है, तो हमारा जो बी है इसमें आपका सी ऑप्शन भी आ रहा है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे आपके यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस में आप देख सकते हैं हमारी कोई भी शार्पनेस नहीं है, तो यंग मॉडुलस में आपकी शार्पनेस नहीं आ रही है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे सक्सेसिबिलिटी। तो सक्सेसिबिलिटी में आप देखिए आपको एक शार्प लाइन देखने को मिल रही है, बिल्कुल शार्प आपके पास एकदम बारीक है, ये आपके पास नैरो लाइन है, और आपको देखिए ये इस तरीके से एकदम शार्प मिल रहा है, मतलब ऐसे करके ये आपका एक शार्प पॉइंट है। तो इस तरीके से यहां पर भी आपको क्या मिल रही है, सक्सेसिबिलिटी। तो इसका मतलब है कि थर्मल कंडक्टिविटी में शार्प ग्राफ नहीं मिला, उसके बाद आपको सक्सेसिबिलिटी में शार्प ग्राफ देखने को नहीं मिला, आपको ग्राफ इसमें देखने को मिला शार्प, ये आपका ये है और आपके पास ये है। तो फ्रेंड आपका जो ऑप्शन होगा उसमें आपका होगा रो, फिर आपका होगा यहाँ पे आपके पास स्पेसिफिक हीट, और उसके बाद होगी सक्सेसिबिलिटी। तो आपका जो है वो है हमारे पास ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू ग्राफ। हमने यहाँ पे सबके ग्राफ देख लिए हैं इस तरीके से। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 37। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 37 को आप देखेंगे तो ये हमारे पास है एक क्वार्टर वेवलेट। आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक क्वार्टर वेवलेट आपको दिया हुआ है। इंट्रोड्यूस ए पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा वाई फोर बिटवीन द टू कंपोनेंट्स ऑफ द पोलराइजेशन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिक एक्सिस। तो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद इज, तो फ्रेंड यहाँ पे आपके एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरीके से जा रही है, इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ क्वार्टर वेव प्लेट तो विच हैज इट्स ऑप्टिक एक्सिस एंड एंगल 135 विद द एक्सिस। तो फ्रेंड यहाँ पे आपके पास एक क्वार्टर वेव प्लेट है और आपके पास उसका जो डिफरेंस है वो हमारे पास कितना होता है, लैम्डा बाई फोर होता है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, या हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि आपकी इंसिडेंट हो रही है नॉर्मली ऑन ए क्वार्टर वेवलेट पे, मतलब क्वार्टर वेवलेट पे ये जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दी है ये इंसिडेंट ही आपकी नॉर्मली क्या हो रही है, आपकी इंसिडेंट हो रही है। तो आपको ये बताना है कि इससे मतलब आफ्टर इंसिडेंट जो आपका क्वार्टर वेवलेट से जो वेव निकलेगी वो हमारी कैसे होगी, इलेप्टिकल पोलराइज्ड होगी, सर्कुलर पोलराइज्ड होगी, लीनियरली पोलराइज्ड होगी विद पोलराइजेशन, है ना, एज दैट ऑफ इंसिडेंट वेव। ये हमारे पास है लीनियरली पोलराइज्ड बट विद पोलराइजेशन एट 90 डिग्री टू दैट ऑफ द इंसिडेंट वेव। तो आइए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमको यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक वेव दी हुई है वो किस तरीके की दी हुई है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे इलेक्ट्रिक वेव ई, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक वेव दी हुई है ई इज इक्वल टू, ये हमारे पास है आपके पास इस तरीके से, आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस इलेक्ट्रिक वेव को, ये आपके पास है x, यहाँ पे आपको दिया हुआ है x कैप प्लस आपके पास है यहाँ पे y कैप, और आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ये आपके पास है e naught, फिर आपको दिया हुआ है e की पावर i, और ये आपके पास है के एक्स माइनस के ओमेगा टी, मतलब के जेड माइनस के ओमेगा टी। अब फ्रेंड मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास e नॉट, आप इसको लिखोगे e की पावर i, फिर हमारे पास है के जेड माइनस का ओमेगा टी, ये हमारे पास हो जाएगा x कैप
प्लस फिर आपके पास हो जाएगा वाई कैप और आप इसको लिख सकते हो ई नॉट, फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे ई की पावर आई, आप इसको लिख सकते हो के जेड माइनस का ओमेगा टी इस तरीके से। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो अब आप इसको यहाँ पे कंपेयर करोगे तो ये हो जाएगा मेरे पास ई, आप इसको लिख सकते हो ई एक्स एक्स कैप और आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे ई वाई वाई कैप। अब अगर आप मुझसे पूछोगे तो फ्रेंड जो आपके पास ई एक्स है, ई एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, तो ई एक्स आपके पास है ई नॉट ई की पावर आई, आप इसको लिख सकते हो के जेड माइनस का ओमेगा टी। और फ्रेंड्स ई वाई आपको क्या दिया हुआ है, तो ई वाई की जो वैल्यू है हमारे पास वो आपको दी हुई है ई वाई इज इक्वल टू, ये हमारे पास है ई नॉट ई की पावर आई और आपको दिया हुआ है के जेड माइनस का ओमेगा टी। अब आप इन दोनों को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास ई एक्स अपॉन ई वाई इज इक्वल टू, और आप इसको लिखेंगे यहाँ पे ई नॉट ई की पावर, ये हो जाएगा हमारे पास के जेड माइनस का ओमेगा टी डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा हमारे पास ई नॉट और आप इसको लिख लेंगे यहाँ पे आई, ये हमारे पास हो जाएगा के जेड माइनस का ओमेगा टी। अब फ्रेंड ये हमारा इससे आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आपस में कैंसिल हो गया है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास ई एक्स अपॉन ई वाई इज इक्वल टू वन, तो ये हमारे पास वन आ चुका है। और फ्रेंड्स आपको पता है आप इसको और क्या लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई वाई अपॉन ई एक्स इज इक्वल टू वन। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास वन हो चुका है। अब यार आपको पता होता है ये हमारे पास, तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एम, और आप यहाँ पे लिखते हो y इज इक्वल टू एक्स, ये हमारे y अपॉन x इसको आप क्या लिखते हो यहाँ पे tan थीटा। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको क्या दिया है, देखो आपको इसका प्रोडक्ट यहाँ पे 1 मिल रहा है, तो 1 का मतलब है ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हो ई एक्स और ई वाई आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, इन दोनों का रेशो आपके पास क्या रहा है 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन देखने को मिल रही है। तो आप यहाँ पे इसको इस तरीके से बना सकते हो, ये हमारे पास हो जाएगा, तो ये हमारे पास है सपोज करो y, ये हमारे पास सपोज करो क्या है आपके पास x, तो ये आपके पास है यहाँ पर x। तो फ्रेंड ये इस तरीके से आपका होता हुआ जा रहा है, हम यहाँ पे दूसरा कलर ले लेते हैं, ये आपका इस तरीके से होता हुआ जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये वाली जो आपके पास एक्सिस है आप इसको दोगे यहाँ पे ई एक्स, ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर ई वाई। तो इस तरीके से ये आपके पास आए और ये आपके पास क्या है, एक आपका स्ट्रेट लाइन मोशन है, मतलब लीनियर मोशन हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास एवरेज वेव होगी वो हमारे पास होगी लीनियर, आप यहाँ पे इसको लिखोगे लीनियर पोलराइज्ड विथ पोलराइजेशन सच दैट ऑफ द इंसिडेंट वेव। तो बिल्कुल आपका जो ऑप्शन सी है यानी कि ऑप्शन बी हमारा, सॉरी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। तो आप इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हो ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब हम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 बहुत ही सिंपल है। ए पी डॉप सेमीकंडक्टर स्लैब कैरीज ए करंट आई इज इक्वल टू दिस इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू दिस एज शोन। तो ऑन मेजर वी वाई इज इक्वल टू दिस वी एक्स इज इक्वल टू दिस, ये आपको क्या दिया हुआ है वी वाई, ये आपके पास क्या है डी एक्स। तो द मोबिलिटी ऑफ द होल इन द सेमी कंडक्टर। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको मोबिलिटी बतानी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, सपोज करो फ्रेंड ये आपके पास एक सेमी कंडक्टर है, ये आपके पास सपोज करो एक सेमी कंडक्टर है। अब ये आपके पास सेमी कंडक्टर है, ये वाली एक्सिस आपके पास क्या दी हुई है एक्स, आप इस एक्सिस को एक्स मानो और इस वाली एक्सिस को आप यहाँ पे वाई मानो। अब फ्रेंड्स अगर आप इस एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर यहाँ पे आप इस एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप यहाँ पे लगाते हो वोल्ट मीटर, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, आपका डिफरेंस मेजर करता है और आपकी जो करंट है वो इस तरीके से यहाँ पे प्रोपगेट हो रही है। तो फ्रेंड्स करंट की डायरेक्शन अगर ये है तो वोल्ट मीटर आप किस डायरेक्शन में लगाते हो, तो आपको पता है आप वोल्ट मीटर को इस तरीके से लगाओगे, ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से वोल्ट मीटर लगेगा, तभी आपको यहाँ पे क्या मिलेगी करंट मिलेगी, है ना, तभी यहाँ पे आपकी रीडिंग शो होगी, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन आपके ऊपर इकट्ठे होंगे और यहाँ पे आपके होल्स इकट्ठे होंगे इस तरीके से। तो इसका मतलब है जो आपको होल वोल्टेज मिलेगी वो आई के परपेंडिकुलर मिलता है, इस तरीके से आपको होल वोल्टेज देखने को मिलता है। मतलब ये अगर आपकी करंट जा रही है तो आपको देखो फ्रेंड्स अगर ये आपकी करंट जा रही है इस तरीके से, तो होल वोल्टेज आपका यहाँ पे जनरेट होगा, यहाँ पे आपको
होल्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तभी आपका यहाँ पे होल वोल्टेज जनरेट होता है। तो इसका मतलब है जो अब देखो यहाँ पे हमारे पास वी आई वाई है, करंट आपकी ये जा रही है, तो वी वाई हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे होल वोल्टेज। तो अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना लिख लेते हैं डाटा, आपको क्या क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन डैट। तो गिवन डैट में आपको क्या क्या दिया हुआ है, हमको यहाँ पे दिया हुआ है आई इज इक्वल टू, ये हमारे पास वन वन आपके पास क्या है 100 मिली एम्पियर, यह आपको दिया हुआ है। फिर आपके पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 0.2 टेस्ला। आपके पास यहाँ पे टी आपको दिया हुआ है थिकनेस, ये हमारे पास है 1 मिलीमीटर। फिर आपको यहाँ पे विड्थ दी हुई है इसकी 4 मिलीमीटर। उसके बाद आपको यहाँ पे लेंथ दी हुई है हमारे पास कितनी है 100, आपके पास लेंथ कितनी है तो आप देख सकते हैं 10 नैनोमीटर, ये आपको दिया हुआ है 10 नैनोमीटर, नैनो है हाँ, ये आपको मिलीमीटर दिया हुआ है, सॉरी ये आपको मिलीमीटर दिया हुआ है। और उसके बाद आपको यहाँ पे वी एक्स की वैल्यू दी हुई है 2 मिली वोल्ट, और आपको यहाँ पे वी वाई दिया हुआ है 0.25 मिली वोल्ट। अब फ्रेंड्स ये है, तो अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको निकालनी है मोबिलिटी। तो आप जानते हैं जो हमारे पास मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है म्यू पी, वो भी होल की मोबिलिटी फॉर्मूला होता है हमारे पास सिग्मा पी यानी कंडक्टिविटी ऑफ होल। फिर हमारे पास हो जाएगा वी एच यानी कि हमारे पास होल वोल्टेज, उसके बाद है हमारे पास टी, और फिर हमारे पास हो जाएगा आई इंटू बी। अब देखो अब आपको यहाँ पे कंडक्टिविटी निकालनी है यानी कि सिग्मा निकालना है, और आपको पता है कि जो हमारे पास सिग्मा होता है, सिग्मा ये हमारे पास जो होता है फ्रेंड्स, सिग्मा हमारे पास होता है इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ρ यानी कि रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी हमारे पास क्या हो जाएगी, तो सिग्मा ये हमारे पास जो रेजिस्टिविटी होगी, तो फ्रेंड्स आपको पता है कि रेजिस्टिविटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, तो हम यहाँ पे रेजिस्टिविटी लिख लेंगे। तो अब आप यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, और ये हमारे पास जो रेजिस्टिविटी होती है ये हमारे पास होल रेजिस्टेंस के इक्वल होगी, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे आर एच। तो ये हमारे पास हो जाएगा, मतलब आपको अगर होल रेजिस्टेंस मिल जाएगा तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगी उसकी कंडक्टिविटी। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सिग्मा पी हो जाएगा वो होल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। अब हम यहाँ से होल रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास आर एच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास वी एच इंटू टी, और ये हो जाएगा हमारे पास आई बी। अब फ्रेंड्स यहां से आप इनकी वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां पे हमारे पास जो वी एच है मतलब होल वोल्टेज, ये हो जाएगा वी वाई इंटू टी डिवाइडेड बाई आई बी। अब आपको क्या करना है, यहां पे आपको आर एच निकालना है, तो आर एच इज इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा वी वाई की वैल्यू कितनी है 0.25 इंटू ये हो जाएगा 1, टी की वैल्यू 1 है। फिर उसके बाद यहाँ पे आई कितना दिया हुआ है 100, और फ्रेंड्स आपको यहाँ पे टी कितना वी कितना दिया हुआ है 0.2 टेस्ला। अब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 1.25 अप्रोक्सीमेट। आप यहाँ पे इसको पूरा का पूरा कैलकुलेशन करेंगे, मैं यहाँ पे नंबर्स में लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 1.25, ये आ जाएगा आपके पास। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपको उस वाले फॉर्मूले का यूज करना है जो हमने पीछे लिखा है, और पीछे हमने जो फॉर्मूला लिखा था वो था हमारे पास म्यू पी, ये था हमारे पास सिग्मा पी, और आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे वी एच, फिर हमारे पास हो जाएगा टी डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा हमारे पास आई बी। अब आपके पास ये चीजें आ चुकी हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिख लोगे म्यू पी। अब देखो सिग्मा पी की वैल्यू किसके इक्वल थी आर एच के, तो आप यहाँ पे इसको आर एच लिख लोगे, ये हमारे पास वी वाई हो जाएगा, फिर हमारे पास टी हो जाएगा, ये हमारे पास आई बी हो जाएगा। अब आप इन सारे की वैल्यू पुट करोगे, तो फ्रेंड आर एच की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 1.25, ये हमारे पास है इंटू, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.25, फिर हमारे पास कितना आ जाएगा टी की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई, फ्रेंड्स हम यहाँ पे लगा देंगे 100 इंटू, ये हमारे पास हो जाएगा 0.2। अब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे, तो फ्रेंड पूरे को सॉल्व करके हमारे पास जो म्यू पी आ जाएगा वो आपको यहाँ पे 2 डेसिमल तक लिखना है, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो फ्रेंड जब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो चलो मैं आपको बताई देता हूँ फ्रेंड, जब आप इसको इसकी मल्टी जब आप इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास म्यू पी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 0.3125, ये आ जाएगा इन टू, ये आपका 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई
फ्रेंड्स ये आ जाएगा आपका डिवाइडेड बाई, आप इसको करोगे ये आपका 100 होगा और इनटू आपके पास 0.25 होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आपके और भी नंबर आएंगे, जैसे मिलीमीटर को आप चेंज करोगे 10 की पावर -3 में, आप मिलीवोल्ट को चेंज करोगे 10 की पावर -3 में, फिर आपके पास यहाँ पे टेस्ला है, ये सब चीज़ों का अगर आप चेंज करोगे उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो नियर अबाउट आपको कितना मिलेगा, मैं आपको ज़्यादा कैलकुलेशन में लेके नहीं जा रहा हूँ। तो फ्रेंड इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1.56। तो ये हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आपके पास म्यू पी की वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये आपको बस मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है, और तो बाकी सबके सब कैलकुलेशन है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। एक फॉर्मूला हमारा ये यूज होगा और एक फॉर्मूला आपका बस ये यूज होगा, दो फॉर्मूले आपके यहाँ पे यूज होने थे। तो ये हो गया, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 39 जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एन चैनल फेट हैविंग गेट सोर्स स्विच ऑफ वोल्टेज। यहाँ पे आपको VGS ऑफ दिया हुआ है, वो हमारे पास कितना है -2 वोल्ट इज यूज टू इन्वर्ट 0 -5 वोल्ट स्क्वायर वेव सिग्नल एज सोन, तो द मैक्सिमम अलाउड वैल्यू ऑफ आर वुड बी। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपके पास एक फैट ट्रांजिस्टर दिया हुआ है और आपको इसके लिए यहाँ पे कैलकुलेट करना है आर की वैल्यू, ये हमारे पास है आर। अब फ्रेंड्स आप इस पूरे के पूरे सर्किट को भूल जाइए, मैं यहाँ से मैं देखो इस टाइप के सर्किट को सॉल्व करने के लिए आपको एक अलग से अप्रोच अपनानी होगी। तो आप मान लीजिए इतना आपको यहाँ पे सर्किट दिया हुआ है और फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपको 5 वोल्टेज है इसको आप क्या बोलते हो, वीजी ऑफ। तो ये हमको कितना दिया हुआ है, मैं यहाँ पे आपको दोबारा सर्किट बना देता हूँ। तो फ्रेंड बहुत ही सिंपल सा आपका सर्किट है, तो आप इस सर्किट को इस तरीके से बनाएंगे, ये हमारे पास एक सर्किट बनेगा, फिर आपके पास एक सर्किट ये दिया हुआ है, यहाँ पे आपके पास है वी आई एन, ये आपको दिया हुआ है -12, इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। और ये आपको कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 1, ये आपको दिया हुआ है 1 किलो ओम। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या निकालना है, वोल्टेज, इस वोल्टेज को हम मान लेते हैं पी, और ये जो आपको फिर आपके पास इस तरीके से करंट जा रही है, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक फैट रेजिस्टेंस, ये आपको इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है और आपको इस तरीके से ये भी कनेक्ट किया हुआ है। तो ये आपका सर्किट है, हाँ देख लीजिए कुछ कुछ इस टाइप का सर्किट है। अब फ्रेंड यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है गिवन वीजीएस ऑफ, ये आपको क्या दिया हुआ है, वीजीएस ऑफ। तो फ्रेंड वीजीएस ऑफ की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, -2 वोल्ट। अब इसका मतलब क्या है कि फ्रेंड यहाँ पे जो आपको वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू हमारे पास, क्योंकि आपको इस टर्मिनल का वोल्टेज पता होना चाहिए और फ्रेंड ये आपका गेट होता है, ये आपका सोर्स होता है, तो इसके बीच का जो आपका वोल्टेज होगा उसको आप बोलते हो वीजीएस। तो फ्रेंड ये वाला वोल्टेज आपको कितना दिया हुआ है, वीजीएस, मतलब इस वाले पॉइंट का जो आपको वोल्टेज दिया हुआ है वो हमारे पास है वीजीएस, और आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे, -2। तो ये हमारे पास है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो बहुत ही सिंपल सा आपका लॉजिक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस देखिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे इसका सर्किट फिर से बना लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप इस तरीके से एक सर्किट बनाएंगे, मैं यहाँ पे इसका दोबारा से सर्किट बना लेता हूँ। तो ये आपके पास एक सर्किट है यहाँ पे, और फ्रेंड्स एक सर्किट आपके पास ये होगा इस तरीके से, हम यहाँ पे एक सर्किट आपका और बना लेते हैं फिर से, और ये आपके पास इस तरीके से, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ये आपके पास इस तरीके का दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे -12 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है, ये आपके पास 1 किलो ओम दिया हुआ है, यहाँ पे आपको आर दिया हुआ है, ये आपके पास वी आई एन दिया हुआ है, और इसका वोल्टेज आपको वी जी एस ऑफ दिया हुआ है, ये हमारे पास है वी जी एस ऑफ। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है यहाँ पर, अब आपको यहाँ पे केसीएल लगाना है। तो अगर आप यहाँ पे केसीएल अप्लाई करते हो, तो इसको मैं मान लेता हूँ पॉइंट ए, इसको मान लेता हूँ पॉइंट बी, ये हमारे पास हो जाएगा आपका पॉइंट सी, ये हमारा पास हो जाएगा पॉइंट डी। अब आप देखिए आपको पता है कि जो आपका यहाँ पर गेट होता है, तो फ्रेंड्स गेट में आपकी, तो यहाँ पे आपके पास क्या बनना है, नोड बनना है। अब इस नोड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे केसीएल अप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं केसीएल। तो फ्रेंड्स केसीएल अप्लाई करेंगे इस नोड ए पर, इस नोड बी पर, तो नोड बी पे केसीएल अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारी करंट आ रही है I1, इसमें हमारे पास करंट जा रही है I2, इसमें हमारे पास करंट आ रही है I3। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा I1 = आप इसको नाम दे देंगे I2, और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का I3 इस तरीके से। तो ये आपको पता है, इस तरीके से आप यहाँ पे इसका नामकरण कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा आपका लॉजिक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा I1 = I2 + I3।
तो फ्रेंड्स ये हमारे पास इस तरीके से करंट हो जाएगी। अब आप एक बात यहाँ पे ये देखेंगे कि फ्रेंड इसमें हमारी कोई भी करंट पास नहीं हो रही है यहाँ पे, क्योंकि आईजी आपको पता है फैट में आईजी कितना होता है, जीरो। तो इसका मतलब है आई टू की वैल्यू आपकी जीरो हो गई है। आई टू को हम क्या मानेंगे, या आई टू है तो आई टू हमारे आई जी के इक्वल होगी। और आपको पता है फैट रेजिस्टेंस में, जो आपका फैट होता है फैट ट्रांजिस्टर में, आपकी आई जी की वैल्यू जीरो होती है। तो फ्रेंड ये आपका जीरो हो जाएगा, तो आप लिख लेंगे इसको आई वन इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा आई थ्री। तो इस तरीके से ये आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू निकल के आ गई है आई इज इक्वल टू आई थ्री। अब आपको क्या करना है, जस्ट इसमें यहाँ पे अप्लाई करना है, तो आई वन इज इक्वल टू आई थ्री ये हमारे पास आ चुका है। अब आप यहाँ पे देखिए तो आई वन, अब अगर फ्रेंड्स आपने यहाँ पे कभी देखा होगा ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है इस तरीके से, ये हमारे पास सपोज करो इसका एल है, ये हमारे पास एम है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है आर है। तो आप इसको क्या बोलोगे, वी एल माइनस का वी एम, ये हमारे पास होता है, और ये होता है हमारे पास आई इन टू आर। तो फ्रेंड्स आई की वैल्यू क्या होती है, वी एल माइनस का वी एम अपॉन आर, ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाती है। तो वही अप्रोच को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ये आपके पास है वी आई एन और ये आपके पास है वी जी एस ऑफ। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे इसको, ये हो जाएगा हमारे पास आपका वी आई एन। तो फ्रेंड्स आप इसको यहाँ पे नाम देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा वी आई एन माइनस का ये हो जाएगा हमारे पास वी जी एस डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू। अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, वी जी एस ऑफ ये हमारे पास है और ये हमारे पास है आपका 12। तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, ये हमारे पास हो जाएगा वी जी एस ऑफ माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 12 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हमारे पास है 1 किलो ओम। अब आप यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो वी आई एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखिए फ्रेंड्स वी आई एन क्वेश्चन में आपको 5 वोल्ट दिया हुआ है, तो यहाँ आपको 5 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस, और वी जी एस ऑफ आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, माइनस का 2, इसको हम अप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू। और फ्रेंड यहां से आपके पास वी जी एस ऑफ कितना दिया हुआ है, ये आपको माइनस का 2 दिया हुआ है, यहां से हमारे पास हो जाएगा प्लस का 12 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1 किलो ओम। तो ये हो जाएगा मेरे पास 7 अपॉन आर इज इक्वल टू, यहां से आपके पास आ गया 10 डिवाइडेड बाई 1 किलो ओम। तो फ्रेंड्स अब यहां से ये हमारे पास आ चुका है, तो अब आप देख सकते हैं यहां से मेरे पास जो आर है, तो अब आप इसको यहां पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 10 आर इज इक्वल टू 7 किलो ओम, ये हमारे पास हो गया। तो फ्रेंड्स R इज इक्वल टू ये हमारे पास है 7 किलो ओम डिवाइडेड बाई 10, और अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.7। अब यहाँ पे आपका 0.7 किलो ओम ये आ चुका है, लेकिन आपको अप टू 2 डेसिमल तक लिखना है, तो हमारे पास 0.70 आप इसको लिख सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स इस तरीके से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने यहाँ पे केवल KCL अप्लाई करना था, वो KCL अप्लाई करके ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास है 0.70 किलो ओम। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर, तो हम यहाँ पे इसमें पुट कर देते हैं, तो यह आपका हो जाएगा 0.70 किलो ओम। तो ये हमारे पास है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो लिख दिया आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारे पास इसका राइट आंसर ये था। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 40। तो इनसाइड ए लार्ज न्यूक्लियस ए न्यूक्लियन विद मास आपको दिया हुआ यहाँ पे 939 mev² हैज फर्मी मोमेंटम 1.40 फर्मी इनवर्स एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इट्स वेलोसिटी इज xc, वेयर द वैल्यू ऑफ x इज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पास एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर जिसका जो मास है वो हमारे पास इतना है, और यहाँ पे आपको जो फर्मी मोमेंटम दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे वेलोसिटी बतानी है, और वेलोसिटी में आपको ये बतानी है कि x की वैल्यू क्या होगी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा मोमेंटम होता है वो हमारे पास होता है एम वी। अब आपको यहाँ पे फर्मी मोमेंटम की फॉर्म में सब कुछ लिखना है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पी एफ, ये हो जाएगा हमारे पास एम वी एफ, क्योंकि आपको यहाँ पे फर्मी दिया हुआ है। अब आपको पता है कि जो आपका पी होता है वो हमारे पास होता है, इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा आपके पास एम वी एफ।
और फ्रेंड यहां से आप वी एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा एच कट, ये हो जाएगा के एफ डिवाइडेड बाई एम इस तरीके से। तो ये आपके पास आ गया है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, तो वी एफ इज इक्वल टू ये आपके पास है एच कट के एफ अपॉन एम। अब आप फ्रेंड ये तो आपका फॉर्मूला आ चुका है। अब आप देखिए क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो फ्रेंड क्वेश्चन में आपको एच कट सी दिया हुआ है, तो आपको एच कट सी निकालना है। अब आपका जो एच कट सी आएगा वो कहाँ से आएगा, तो फ्रेंड अब आप क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, और आपको देखो ऑप्शन में सी वी चाहिए, एक ऑप्शन में आपके पास सी वी आ रहा है, तो आपको क्या करना होगा, अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट इसको आप यहाँ पे क्या करेंगे के एफ आप इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सी स्क्वायर से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। एक सी को मैं एच कट के साथ लिख देता हूँ ये हमारे पास, और एक को हम क्या करते हैं के एफ सी लिख देते हैं, और अपॉन ये मेरे पास है एम सी स्क्वायर। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है वी एफ इज इक्वल टू ये हमारे पास हो गया है एच कट सी, ये आपके पास हो गया है के एफ सी डिवाइडेड बाय ये हो गया है आपके पास एम सी स्क्वायर। अब आप यहाँ पे एच कट सी की वैल्यू लगा दीजिए, तो देखिए एच कट सी की वैल्यू कितनी है 197, तो आप यहाँ पे लगा देंगे 197 इंटू के एफ की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, तो ये हमारे पास के एफ की वैल्यू है 1.40, तो 1.40 ये हमारे पास हो जाएगा सी डिवाइडेड बाई एम। आपको कितना दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स एम आपके पास है 939 ये आपके पास है, तो आप यहाँ पे इसको पुट करेंगे 939 ये हमारे पास है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर से आपका सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और भी यूनिट आपके पास आएंगी। तो जब आप इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो वी एफ की वैल्यू हो जाएगी, आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास दिस। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा 0.8 सी डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा हमारे पास 939, और आप इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.29 सी। तो फ्रेंड यहाँ पे जो हमारे पास एक्स की वैल्यू आई है, यानी कि वी एफ इज इक्वल टू क्या था हमारे पास एक्स सी, और अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 0.29। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब मैं आपको लास्ट में जाते जाते इतना कहना चाहता हूँ कि ये आप देख सकते हैं ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है, तो पोटेंशियल जी आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं पोटेंशियल जी 9 से, और एफबी पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं पोटेंशियल जी से। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय।